पाकिस्तान रे राजा रंजित सिंह को प्रतिमूर्ति भंगा को नहीं नुआ दिल्ली रे वर्तमान देखि परथुए बीजेपी रो जो कार्यकर्ता मन रहिछंती से माने राजा रास्ता को लेइछंती आम सहित अछंती नवीन दिदल जे के बीजेपी दिल्ली रो मीडिया प्रभारी अछंती ताको सहित अधिक आलोचना करबा क्या डिमांड को लेकर आप रास्ते पे आए हैं। देखिए पाकिस्तान में लगातार वहाँ रहने वाले अल्पसंख्यक चाहे वो हिंदू हो चाहे वो सिख हो चाहे वो ईसाई हो सबके साथ उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है वहाँ धर्मांतरण किया जा रहा है। और यही नहीं कल जिस प्रकार से लाहौर में इमरान खान की शह पर वहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह जी का प्रतिमा को तोड़ दिया गया डैमेज किया गया बुरी तरह सबके सामने उसका लाइव वीडियो भेजा गया ये असहनीय है ये कोई नहीं सह सकता है। और ऐसा काम ऐसा पाप पाकिस्तान की सरकार लगातार कर रही है। आज यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा सिख सेल और पूर्वांचल मोर्चा तीनों ने मिलकर के पाकिस्तान एम्बेसी के ऊपर दूतावास के ऊपर प्रदर्शन करने का योजना है प्रदर्शन कर रहे हैं और उसको बताना चाहते हैं कि अगर आपने वहाँ पे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को संरक्षण नहीं दिया पहली बार नहीं हो रहा है बार बार हो रहा है अगर ये करेंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ पर हम लोग उसका प्रतिकार करेंगे। दूतावास पर इस समय हम प्रदर्शन कर रहे हैं परचम प्रदर्शन पाकिस्तान सरकार को एक संदेश दे रहे हैं कि वो इस प्रकार के पाप करना बंद कर दे। और एक रिएक्शन लेना चाहेंगे इस मुद्दे पे तालिबान पे जो अभी मसला चल रहा है उसको समाजवादी पार्टी के एमपी बोल रहे हैं कि वहाँ पे फ्रीडम फाइटर मूवमेंट समाजवादी पार्टी के लोग बोलते हो और वही बात पाकिस्तान भी बोल रही है और वही बात यहाँ का हिंदुस्तान में विपक्ष के लोग भी बोल रहे हैं यानी कि जो पाकिस्तान के समर्थन में पाकिस्तान की भाषा हिंदुस्तान के कुछ विपक्षी दल के सांसद बोल रहे हैं देश की जनता उनको पहचान रही है। तालिबान में महिलाओं का किस प्रकार से अत्याचार किया जाता है वहाँ पर 5 साल के बाद कोई महिला बाहर निकल नहीं सकती पढ़ नहीं सकती है 5वीं क्लास के बाद और 10 साल से लेकर 14 साल से लेकर के और 40 साल की महिला तालिबान के समय में सबने देखा है कि केवल वहाँ के आतंकवादियों के ही साथ रह सकती थी ऐसा कानून उन्होंने बनाया हुआ था। जहाँ महिलाओं का अत्याचार होता हो उसके समर्थन में लिए खड़े हो उसको देश की जनता पहचान रही है। आप शुणुले निश्चित भाव मीडिया प्रभार जी रही से प्रतिक्रिया रखते आप देखिपे जो भाव बर्तन भिड़ बढ़िया लगी सीधा सड़क पाकिस्तान एम्बेसी उपरे बा पाकिस्तान एम्बेसी पाक को जवाई चाहते सीधा सड़क निजर दाबीपत देवाई चाहते पाकिस्तान एभली घटना आउ सही हे ना कहीं बारंबार एभली घटना सामना को आज देखिपे जो सिख कम्युनिटी रही बीजेपी कार्यकर्ता रही अवधेश गुप्ता जे कि रही बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष रही आसिक पहुँचल बर्तमान भिड़ आस्ते आस्ते बढ़िया लगुच अनेक संख्यार लोक भिड़ जमा कहीं एभली घटना बारंबार देखा जाटे पाकिस्तान में या हिंदू मंदिर हो सिख मंदिर होनेक समय आक्रमण कराऊ जो अल्प संख्यक लोक रही सुरक्षित नहाँ तेणु पाकिस्तान को सीधा सड़क भारत बर्षर मेसेज देवाई मैंने चाहूँ जे आउ से घटना को सही हे ना निश्चित भाव या पर कौन पाकिस्तान एम्बेसी रिएक्शन रखुं पाकिस्तान कौन रिएक्शन आसान समस्त नजर अच्छी नदी कर्मवर्षा नीरज सहित गगन अर्गस न्यूज़।